खोया रहता तुम्हें ही, खोया रहता तुम में ही सारे पल अपने देकर, रहती मेरे पन्नों में अक्षर हो सुनहरे लेकर, जो बात कहूँ अंतर्मन, जो बात कहूँ अंतर्मन हर छंद वही कहता हो, जो कभी ना पूरी होगी तो मेरी वो कविता हो, जो कभी ना पूरी होगी तो मेरी वो कविता हो। कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहूँ, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहूँ, तुम्हें देख तसल्ली पाऊँ, तेरी काजल की स्याही से तुझको ही लिखता जाऊँ, बिन तेरे हूँ मैं जैसे, बिन तेरे हूँ मैं जैसे कोरा कागज रहता हो, जो कभी न पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो, जो कभी न पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो। एक कविता में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम राइटर्स जो भी लिखते हैं बहुत सारे भाव होते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी अपनी कविता में। तुम भाव हो मेरे मन की, तुम भाव हो मेरे मन की, लैताल भी मेरी तुम हो, बेसुध बेकल निर्जीवन वो हाल भी मेरी तुम हो, तुम जल धारा सी पावन, तुम जल धारा सी पावन जीवन जिसमें बहता हो, जो कभी ना पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो, जो कभी ना पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो। और एक कविता में प्रेम भी होता है, विरह भी होता है, वेदना भी होती है, तो उसको मैंने इसमें थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है। कि तुम विरह वेदना जैसी, तुम विरह वेदना जैसी आकार लिखावट तुम हो, तुम विरह वेदना जैसी आकार लिखावट तुम हो, तुम शब्द प्रतीक्षा मेरी। एक वो पॉइंट नहीं आ जाता जब तक हमें कुछ लिखते हैं, जब तक उसे फिट नहीं होता तब तक हम वेट करते रहते हैं काफी टाइम बाद। बहुत ऐसा होता है कि कुछ कविताएं 2 महीने से 3 महीने से चल रही होती है लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाती है, तो वो शब्द प्रतीक्षा जो होती है उसको मैंने बोला है। कि तुम विरह वेदना जैसी आकार लिखावट तुम हो, तुम शब्द प्रतीक्षा मेरी वो कथा बनावट तुम हो, तुम मनोहारी रचना भी, तुम मनोहारी रचना भी जो सुने यही कहता हो, जो कभी न पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो, जो कभी न पूरी होगी तुम मेरी वो कविता हो।